हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो गाइज, आज का लेटेस्ट अपडेट्स है ये आपका UPCHO से लेटेस्ट अपडेट्स गाइज, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की न्यू पोस्ट है। और गाइज, यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंट, जो भी मतलब इसके अंदर वेरीज की गई है, जो एक वेरिएशन डाली है, वो बहुत बड़ी वेरिएशन है एलिजिबिलिटी की। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको कम्प्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि कौन यहाँ पर एलिजिबल है और कौन नॉट एलिजिबल है। सो गाइज, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइब। सो चलिए, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए सीधा मैं आपको बता देता हूँ ये लेटेस्ट अपडेट्स है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, UPNHM से है और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पर। और गाइज, यहाँ पर सीधा आपको बिना ब्रिज कोर्स कराए सीधा पोस्टिंग दी जाएगी। और ये लेटेस्ट अपडेट्स आया था वो 8 जुलाई को आया था, लेकिन मैं बिजी होने के कारण आपको अपडेट नहीं दे पाया, इसलिए अभी भी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अभी भी वेट कर रहे होंगे, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइज, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन UP से ये मतलब इनवाइट किए गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे एंड वो सारी चीज़ें आपको पता है कि सब सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एम्फेसाइज किया गया है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो सीधा हम बात करते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पर मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो 797 पोस्ट हैं, 797 यहाँ पोस्ट हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो ओनली वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे जिन्होंने BSc नर्सिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ से किया है, या फिर पोस्ट बेसिक किया है जिनके जो CCHN इंटीग्रेटेड था। ओके, तो वही कैंडिडेट्स यहाँ एलिजिबल होंगे, ओनली वही कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अदरवाइज और अदर जो कैंडिडेट्स हैं GNM या फिर BSc नर्सिंग जिनका इंटीग्रेटेड CCHN नहीं है, CCHN नहीं है, या फिर पोस्ट बेसिक के जिनके इंटीग्रेटेड नहीं है CCHN, तो वो यहाँ पर नॉट एलिजिबल। एंड यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप यूपी नर्सेज, जो यूपी नर्स रजिस्टर्ड काउंसिल है उसके अंदर आप रजिस्टर्ड होना ज़रूरी हो एट द टाइम ऑफ द फॉर्म फिलिंग। ओके, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो उस टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और गाइस, एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स हैं वह अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 17 अगस्त 2021। ओके, 2021 तक आपकी जो एज है कैलकुलेट की जाएगी। ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ओनली आपके फॉर्म है वो ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, अदरवाइज आप अदर मोड से करोगे तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की जाएगी वो यूपी गवर्नमेंट के आधार पर की जाएगी, जो स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश की उसके आधार से की जाएगी। एंड यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, टोटल पोस्ट 797 है और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आ जाते हैं इस वैकेंसी की कि फॉर्म की लास्ट डेट और स्टार्ट डेट। तो आपके ऑनलाइन फॉर्म जो सबमिशन होना स्टार्ट होगा वो आपके 28 जुलाई 11 AM से होगा जी। अभी फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुए हैं तो आप वेट कीजिए, 28 जुलाई 2021 11 AM मॉर्निंग से होगा गाइज। ओके, एंड लास्ट डेट रहेगी आपकी वो 17 अगस्त 2021 मिडनाइट रहने वाली है। ओके, और ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हो www.upnrhm.gov.in पर। यहाँ पर आप फर्दर जो भी अपडेट्स आएगा वो यहाँ से आप पा सकते हो, और जो भी आपको और अदर इसके फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट है वो मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन। अगेन थैंक यू गाइज, बाय बाय।